नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि जो लास्ट वेनेसडे का वीडियो है मैं नहीं पोस्ट कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे ऑसम गैजेट्स बताने वाला हूँ जो आपको अमेजोन पे 500 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। सो गाइस, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है वो तीनों प्रोडक्ट जिनके हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्मार्ट लॉक से। सो गाइज, ये है वो स्मार्ट लॉक और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसको रैप किया है प्लास्टिक मतलब सेलो टेप में, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे इसे ऑपरेट करें और कैसे इसकी जो बैटरीज है उन्हें इंसर्ट करें। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लॉक देखने मिलता है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। सो गाइज, जैसे ही मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं 3 चीज़ें, ये लॉक, उसकी कीज़ और ये बैटरीज। सो इसे हम रखते हैं साइड में। और गाइज, आप देख सकते हो काफ़ी हैवी ये लॉक है, काफ़ी हैवी है, मतलब अराउंड 200 ग्राम्स का होगा ये, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो। कम्प्लीटली स्टील मेटल का है ये, मेटल बॉडी है इसकी। और यहाँ पे उसकी कीज़ और यहाँ पे आपको देखने मिलती है बैटरी जो है LR44 के 6 बैटरीज। गाइस, काफ़ी ज़्यादा बैटरीज इसमें इंसर्ट करनी पड़ती है आपको। तो चलिए हम पहले इसे ओपन करके देखते हैं कि कैसे इसकी बैटरी जो है आपको इंसर्ट करनी है। सो गाइज, इसका कुछ ऊपर का जो नॉब है वो कुछ इस तरह निकल के आता है। और गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 स्क्रू मिलते हैं, उसमें आपको बैटरीज इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बैटरीज इंसर्ट करते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्क्रू रिमूव कर दिया है और यहाँ पे उसका बैटरी कंपार्टमेंट। और गाइज़, यहाँ पे और एक अच्छी बात है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बैटरी जो 6 बैटरीज इंसर्ट की है और यहाँ पे आपको मिलता है एक्स्ट्रा बैटरी का सेट। सो गाइज़, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह आपको इसमें बैटरी इंसर्ट करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बैटरी इंसर्टेड थी और ये आपको स्पेयर बैटरीज मिलती है। बस आपको इस नॉब को ऐसे कुछ इस तरह रिमूव करना है, दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको, इस ब्लॉक को कुछ इस तरह आपको रिमूव करना है और आपको ये नया ब्लॉक इंसर्ट करना है जैसे ही इसकी बैटरी ख़त्म होती है। सो गाइज़, यहाँ पर मैं वापस इसे इंसर्ट करता हूँ और वापस हम इसे जो है रीलॉक कर देते हैं। सो यहाँ पे ये जो बना है कम्प्लीटली ये स्टील मटेरियल, मेटल है आप देख सकते हो, मुझे पता नहीं कौन सा मेटल है बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एक लॉक के कंपैरिजन में। और यहाँ पे आपको सर्किट देखने मिलता है, आप देख सकते हो ये भी इजीली निकल जाता है अंदर, बट खैर कोई बात नहीं, ये तो मेटल कंपार्टमेंट है, इसे लॉक कर देते हैं हम अभी। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों स्क्रू जो है मैंने इंटैक्ट कर दिया है और बैटरी भी इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। तो अभी हम इसमें ये लॉक जो है इंसर्ट करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें से साउंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर भी लिखा था 110 dB का जो है इसका साउंड है, मैंने कहाँ पे तो पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 110 dB, मतलब कितना बड़ा इसमें से साउंड आता है आप सुन सकते हो। सो यहाँ पे आपको इसे लॉक करना है, तो यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ, उसकी की निकालता हूँ। और अगर आप कोई भी इसे ट्राई करोगे खींचने का तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा अलार्म आएगा, आप देख सकते हो, तो आप सुन सकते हो एक बार इसमें से अलार्म आया है। और एक बार अगर कोई छेड़ता है तो गाइज़, आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा और कितना लाउड इसका साउंड आया, मतलब लिटरली, मतलब मेरे कान तो बज रहे थे, इतना ज़्यादा लाउड इसमें से साउंड आता है। और आपको अगर बेसिकली इसे खोलना है तो आप इस तरह खोल सकते हो, वापस जब भी आप इसमें इंसर्ट करोगे आपको एक साउंड आएगा। सो आप ऐसे इंसर्ट करते समय आपको साउंड आता है, और जब भी कोई ट्राई करता है इसे निकालने का तो फिर बाद में आपको जो है इसका जो अलार्म है वो बजने लगेगा। सो गाइस, काफ़ी बढ़िया लॉक है और काफ़ी वर्थ है 500 रुपीज़ के अंदर, काफ़ी बजट लॉक है और काफ़ी अच्छा है, कोई भी इसे ब्रेक करके नहीं जा सकता, इतना बढ़िया क्वालिटी का ये लॉक है। सो गाइस, यहाँ पे जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये रेट्रो फोन, और यहाँ पे लिखा है COCO फोन, पता नहीं क्या होता है COCO फोन, और यहाँ पर पीछे की तरफ लिखा है रेट्रो फोन और यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है आईफोन नॉट इंक्लूडेड। नहीं गाइज, ये आईफोन नॉट इंक्लूडेड यहाँ पे कवर पे लिखा है, हैंडसेट कंपैटिबल विथ ऑल डिवाइसेस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, हर एक डिवाइस के साथ ये कंपैटिबल है। हम लोग टेस्ट करते हैं और गाइज़, यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स दिए हैं और यहाँ पे लिखा है रेट्रो, रेडिएशन प्रूफ और ट्रेंडी। गाइज़, ये रेडिएशन प्रूफ इसलिए होता है कि आप इसे वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो और फिर आपका जो फ़ोन का रेडिएशन है आपके ईयर के वहाँ पर नहीं जाता है। तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं यहाँ पर हमें देखने मिलता है हमारा ये रेट्रो फ़ोन,
और गाइस बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ भी देखने नहीं मिलता है। सो गाइस काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का ये फ़ोन है और यहाँ पे आपको देखने मिलता है 3.5 mm का जैक और यहाँ पे आपको देखने मिलता है फ़ोन जहाँ पे आपका ईयर पीस, जहाँ पे है आपका माइक्रोफोन, यहाँ पे है कॉल रिसीव का बटन, आप देख सकते हो यहाँ से आप कॉल रिसीव कर सकते हो या फिर जो है हैंग अप कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन। सो गाइज ये काफ़ी बढ़िया और अच्छा ये हैंडसेट है क्योंकि जब भी आप फ़ोन रिसीव करते हो डायरेक्टली अपने ईयर के पास लेके जाते हो बट इसके थ्रू जो रेडिएशंस है वो आपके ब्रेन को अफेक्ट नहीं करेंगे, इसके लिए ये यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा रेट्रो आपको लुक देता है। तो गाइज हम अभी इसे टेस्ट करेंगे और देखते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेरे फ़ोन से ये जो गैजेट है वो कनेक्ट किया है और अभी हम कॉल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसकी साउंड क्वालिटी, क्या ये वाकई में वर्क करता है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कन्वर्टर यूज़ किया है आईफोन का इसे कनेक्ट करने के लिए। तो अभी मैं कॉल लगाता हूँ, तो मैं बेसिकली गैजेट टेस्ट कर रहा हूँ इसके लिए मैंने आपको कॉल किया है। सो और एक बार मुझे बताओ कि मेरी आवाज़ आपको क्या प्रॉपरली सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। सो गाइस जैसे आपने देखा काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा है। और एक बात बताओ, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे रही है? सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी भी आवाज़ वहाँ पे क्लियरली जा रही है। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी देखने मिलती है और काफ़ी अच्छी है। और गाइज़ यहाँ पे मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको है कॉल रिसेप्शन का बटन। सो अभी मैं यहाँ पे कॉल करने बोलता हूँ उन्हें वापस। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कॉल आ चुकी है और यहाँ पे जो कॉल रिसेप्शन का बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और कॉल रिसीव करता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने बटन प्रेस किया और कॉल रिसीव हो चुका है। और गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको दिखाई देगा वॉल्यूम अप का जो बटन दबा रहा हूँ तभी वॉल्यूम अप हो रहा है, वॉल्यूम डाउन जब भी दबा रहा हूँ मैं वॉल्यूम डाउन हो रहा है यहाँ पे। सो गाइज़ काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जो जो कॉल रिसेप्शन का बटन है वो भी वर्क करता है। वॉल्यूम अप आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन भी इजीली हो रहा है। सो गाइज़ काफ़ी बढ़िया ये गैजेट है और 500 रुपीज़ के अंदर आपको ये गैजेट मिल जाता है। सो गाइज़ जो अगला अनबॉक्सिंग है वो है ये LED फॉसेट लाइट और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गैजेट है। आप देख सकते हो आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो है टैप के नीचे आपको इंसर्ट करना है। और गाइज़ इसमें से दो कलर्स आते हैं, अगर आपका पानी कोल्ड आता है तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइट आती है इसमें से, और यहाँ पे अगर हॉट आता है तो रेड कलर की लाइट आती है। सो गाइज़ यहाँ पे पीछे की तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे इसे यूज़ करें और गाइज़ इसके अंदर आपको बैटरी भी इंसर्ट नहीं करनी है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो गाइज़ जैसे हम इसे ओपन करते हैं यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो अटैचमेंट, आप देख सकते हो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइटवेट है। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो आउटलेट जहाँ से आपका जो पानी है बाहर आएगा, यहाँ पे आपको देखने मिलता है प्लास्टिक नॉब जिसकी हेल्प से आप इसे इंसर्ट करोगे, और यहाँ पे आपको मिलता है एक्स्ट्रा अटैचमेंट अगर आपका जो नल है या फिर जो टैप है उसका जो फेस मतलब जो माउंट है वो काफ़ी बड़ा रहेगा तो इसकी हेल्प से आप उसे माउंट कर सकते हो, और अगर छोटा रहेगा तो इसकी हेल्प से भी आप उसे इजीली माउंट कर सकते हो। सो गाइज अभी हम इसे टेस्ट करते हैं और देखने वाले कि क्या इसमें से वाकई रेड कलर आता है या ब्लू कलर आता है जब भी हॉट या कोल्ड वाटर आता है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो टैब है मैंने इंसर्ट कर दिया है नीचे की तरफ, और अभी हम जो है इसका जो नॉब है रोटेट करेंगे। सो गाइज यहाँ पे जो राइट साइड है वो है कोल्ड वाटर और लेफ्ट साइड है हॉट वाटर। सो यहाँ पे मैं पहला कोल्ड वाटर टर्न ऑन करता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर की LED आई है, मतलब ये है कोल्ड वाटर, और अभी हम कॉन्स्टेंटली इसे लेफ्ट की ओर घुमाएंगे कम्प्लीटली। सो गाइज जो बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, जो माइल्ड वाटर रहेगा माइल्डली हॉट वाटर, उसके लिए ये ग्रीन कलर की LED फ्लैश करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइज अभी जो है माइल्ड वाटर आ रहा है, सो यहाँ पे ग्रीन कलर की LED आ चुकी है, और अभी कम्प्लीटली जब भी हॉट वाटर आएगा तो ये रेड कलर की LED इंडिकेट करेगा। सो गाइज अभी आप देख सकते हो कम्प्लीटली हॉट वाटर आना स्टार्ट हो चुका है और अभी जो LED है वो कम्प्लीटली रेड हो चुकी है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हॉट वाटर आ रहा है और उसका जो सेंसर है उसे सेंस कर रहा है, और जब भी कंप्लीट हॉट वाटर का फ्लो स्टार्ट होगा इसमें से रेड कलर की LED जो है कंटिन्यूअसली ग्लो करेगी। सो आप देख सकते हो अभी जो LED है वो कांस्टेंट हो चुकी है, कंप्लीट हॉट वाटर आ रहा है। सो वापस हम इसे नॉब को घुमाते हैं यहाँ पे कोल्ड की तरफ, आप देख सकते हो कोल्ड की तरफ मैंने इसे इंस्टेंटली घुमाया है। सो अभी वापस इसमें एक ट्रांजिशन होगा और वापस जो LED है वो नॉर्मल आ जाएंगे। सो यहाँ पे आया है जो माइल्ड वाटर है वो आ चुका है, उसके लिए यहाँ पे ग्रीन कलर की LED फ्लैश हो रही है, और अभी वापस कोल्ड वाटर आएगा सो इसमें जो ब्लू कलर की LED है वो फ्लैश हो जाएगी। और इसमें गाइस ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, काफ़ी इमीडिएट इसका ट्रांजिशन है, और अभी जो कोल्ड वाटर आ चुका है तो यहाँ पे ब्लू कलर की LED फ्लैश हो रही है। सो काफ़ी बजट और इंटरेस्टिंग गैजेट है और आपको 500 रुपीज़ के अंदर ये गैजेट मिल जाता है।
सो गाइस जैसे आपने देखा उन तीन प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स थे और काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिलेंगे, मतलब 500 रुपीज़ के अंदर आपको ये तीनों गैजेट्स मिल जाएंगे। सो गाइस एज यूजुअल अगर किसी को उन तीनों गैजेट्स को बाई करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप उन्हें बाई कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताने वाला हूँ कि कल आने वाला है गिव अवे का वीडियो, सो गाइस स्टे ट्यून फॉर द गिव अवे। और गाइस बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।